बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वेलकम टू द माइक्रो कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स सीरीज ऑफ लेक्चर्स। व्हाट विल बी डिस्कसिंग इज सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। सो एसपीआई होता क्या है और एसपीआई को यूज किस तरह से किया जाता है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द मोस्ट ईजी एंड सिंपलर वे एज आई कुड इंशाल्लाह। सो एसपीआई इज सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस एंड इट्स इंक्लूडेड इन द मास्टर सिंक्रोनस सीरियल पोर्ट MSSP module, which is included in the PIC 18F452. PIC 18F452 के ही तनाजुर में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो SPI basically इस्तेमाल होता ही क्यों है? आपको जब भी अपनी डिवाइस को किसी न किसी चीज से आउट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिकेट करवाना है, सो यूल यूज अ बस, यूल यूज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यूल यूज समथिंग दैट्स बियॉन्ड जस्ट सिंपल ट्रांसमिशन एंड रिसीवल। अगर आपको सिर्फ ट्रांसमिट और रिसीव ही करना है और आपको ये नहीं कंट्रोल रखना कि आप कहाँ ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं और कहाँ से डाटा रिसीव करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको एसपीआई मॉड्यूल्स या इन प्रोटोकॉल्स की तरफ आना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ इससे गर्ज रखते हैं कि क्या ट्रांसमिट हो रहा है और क्या रिसीव हो रहा है, तो फिर आप सिंपल यूएसएआरटी मॉड्यूल या यूएआरटी मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास ये एक्सेस नहीं होती कि वहां कहां से डाटा आ रहा है और कहां जा रहा है। यू जस्ट हैव द डाटा, यू कैन जस्ट ट्रांसमिट इट और रिसीव इट, बट नॉट टू विच लोकेशन यू आर ट्रांसमिटिंग और टू विच डिवाइस यू आर ट्रांसमिटिंग। सो एसपीआई के बारे में आगे पढ़ते हैं। एसपीआई इज बेसिकली सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। जो एमएसएसपी मॉड्यूल हमारे पास मौजूद है PIC 18F452 के अंदर, उसमें दो किस्म की मोड्स हैं, एक एसपीआई है और एक I2C है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से। हम इस लेक्चर में सिर्फ एसपीआई को पढ़ेंगे। एसपीआई के बारे में चार बेसिक बातें। एक तो ये फोर वायर कम्युनिकेशन बस है, इसमें चार वायर्स होंगी, नेमली SD out, SDO, SD in, SDI के नाम से, सीरियल क्लॉक SCK के नाम से, एंड द चिप सिलेक्ट। ये चार पिन आपने हमेशा याद रखनी है, SDO, SDI, कहीं कहीं ये SO, SI के नाम से भी हो सकती है, SCK, सीरियल क्लॉक, एंड द चिप सिलेक्ट CS bar। टिपिकली दिस कम्युनिकेट्स अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेज एंड दिस सपोर्ट्स सिंगल मास्टर एंड मल्टीपल स्लेव्स, एज इन केस ऑफ PIC 18F452, दिस IC विल एक्ट एज अ मास्टर एंड विल कंट्रोल मेनी ऑफ द स्लेव्स। एटलीस्ट हमारे पास जितनी चिप सिलेक्ट करने की ऑप्शंस हुई, और चिप सिलेक्ट की हमारे पास पिन कोई खास नहीं होगी, हम अपनी पोर्ट्स को ही चिप सिलेक्ट पिन के तौर पे यूज कर सकते हैं, उन्हें हमने सिंपली ऑफ करवाना है या ऑन करवाना है किसी दूसरे स्लेव की चिप सिलेक्ट को ऑन या ऑफ करने के लिए। सो ये सिंक्रोनाइज्ड होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फोर वायर कम्युनिकेशन बस है और उसमें जो चौथी तार है वो सीरियल क्लॉक है। तो जहां पर भी क्लॉक है, इसका मतलब है कि वहां पर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, टाइम के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन हो रही है। सीरियल पेरिफेरल की टाइप्स हैं कन्वर्टर्स, मेमोरीज, सेंसर्स, रियल टाइम क्लॉक्स, पोटेंशियोमीटर्स, इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर्स। ये टाइप्स क्या हैं और इसका मतलब क्या है? आपने नॉर्मली अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि अब जो आपके पास सेंसर्स आ रहे हैं, टेम्परेचर सेंसर्स हैं या किसी भी किस्म के और सेंसर्स हैं, अगर तो वो सिर्फ मोमेंटरली आपको डेटा देते हैं, जिस तरह आपके घर में अगर वेट सेंसर मशीन पड़ी हुई है और अगर आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो वेट सेंसर मशीन नॉर्मली डज व्हाट? वेट सेंसर मशीन टेल्स यू अबाउट द वेट एंड दैट डेटा इज नॉट स्टोर्ड एंड इट जस्ट वैनिशेस। हाँ, अब कुछ लेटेस्ट मॉडल्स इस तरह के भी आए हैं कि जो उनके ऊपर प्रीवियस रीडिंग्स थी, आप उनको स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें एक्सेस कर सकते हैं at any later time। So इस तरह की चीजें जिनके अंदर सेंसर्स के साथ, जिस तरह टेम्परेचर सेंसर्स हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर्स हैं, कि जिनमें टाइम वाइज डेटा स्टोर भी होता है, इसका मतलब है कि अगर कहीं डेटा स्टोर हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई मेमोरी डिवाइस भी है, और अगर कोई मेमोरी डिवाइस है तो इसका ये मतलब है कि उस मेमोरी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए एड्रेसेस होंगे कि जहां पर वो डेटा पड़ा हुआ होगा उन मेमोरी लोकेशंस पर। उन मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए इफ दीज डिवाइसेस हैव अ एसपीआई मॉड्यूल, तो फिर हम इजीली उनसे डाटा आउट कर सकते हैं और उनको डाटा इन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एसपीआई। सो इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर्स, यहाँ पर जो एक नाम यहाँ लिखा हुआ है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम यहाँ पर यूज भी करेंगे अपने PIC 18F452 के साथ।
जनरल कनेक्शंस आपके सामने है, ये जो SPI मास्टर है इसको आप समझें कि ये आपका PIC 18F452 है और इसमें CS1, CS2 और CS3 के नाम से कोई पिन नहीं होगी। यहाँ पर आप पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी, पोर्ट ई की कोई भी एक खास पिन को पकड़ सकते हैं और उसको अपनी चिप सिलेक्ट पिन बना सकते हैं। इसके अलावा सीरियल क्लॉक SDI और SDO की पिन है और यहाँ पर आपके पास सीरियल क्लॉक, ये एक यहाँ पर मिस्टेक है, इफ आई मे करेक्ट इट इन द प्रेजेंटेशन दैट आई एम प्रेजेंटिंग दैट दिस शुड बी SDO एंड दिस SDO शुड बी SDI बिकॉज SDI जो है वो SDO में जाना चाहिए और यहाँ से SDO जो है वो इनपुट रिसीव करना चाहिए इसकी SDI से। सो दिस इज अ मिस्टेक, यू शुड रिमेम्बर इट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स और एनीथिंग एल्स। सो ये आप देखें कि ये चार पिन हर एक की, हर स्लेव की कहाँ जाके कनेक्टेड है, इस मास्टर के साथ। लेकिन कौन से वाली स्लेव को ये डाटा सेंड कर रहा होगा और कौन सी से रिसीव कर रहा होगा, दैट बेसिकली डिपेंड्स कि किस स्लेव की ये चिप सिलेक्ट पिन जो है उसको ऑन किया गया। अगर मैं यहां से CS1 को ऑन कर देता हूं तो ये जो CS1 जिससे ये कनेक्टेड है, ये स्लेव 1 से डाटा रिसीव और इसको इनपुट करने लग जाएगा। सिमिलरली इसको ऑफ करके मैं अगर चिप सिलेक्ट 2 को ऑन करता हूं तो फिर स्लेव 2 जो है वो प्रोसेस करने लग जाएगी एंड सिमिलरली द केस इज वैलिड फॉर द स्लेव 3। हम माइक्रो सी लाइब्रेरी फंक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे SPI को ऑपरेट करवाने के लिए। सो यू कैन हैव अ लुक कि हम सिर्फ तीन ही फंक्शंस पढ़ने वाले हैं जो कि है SPI X_initialize, SPI X_read। SPI X_initialize को सबसे पहले पढ़ते हैं, इसको मैं आपके सामने से गायब कर देता हूं। SPI X_initialize, X basically denotes the number of modules that you have and unfortunately or somehow PIC 18F452 में सिर्फ एक ही SPI का मॉड्यूल है, SPI1_initialize आप यूज करेंगे। अगर SPI1_initialize आप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली तमाम रजिस्टर्स जो कि SPI के कंट्रोल रजिस्टर्स हैं उनको ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर इनिशियलाइज करवा देता है और आपके इस मॉड्यूल को ऑन कर देता है। द नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज SPI1_read एंड SPI1_write। जैसा कि आपको पता है कि चार ही पिन हैं, रीड, राइट की, क्लॉक की और चिप सेलेक्ट की। चिप सेलेक्ट का फंक्शन आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है कि चिप सेलेक्ट वाली पिन सिर्फ तब ऑन करनी है जब आप उस स्लेव IC को जिसके साथ वो मखसूस चिप सेलेक्ट की पिन कनेक्टेड है उसे ऑन कर रहे हैं, और बाकी जो SDOUT SDIN है वो कनेक्शंस आपके सामने हैं, वो ये रीड और राइट वाले ही फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। तो अनसाइंड शॉर्ट SPI X_read जो कि हमारे लिए SPI1_read बनेगा, इसके अंदर हम बफर वैल्यू डालते हैं। सो दैट मींस ये जहां पर भी हम ये जो वैल्यू यहां पर आगे इसके अंदर मेंशन करेंगे वो एक तो शॉर्ट होगी, अनसाइंड शॉर्ट होगी, और दूसरा वो एज एड्रेस रीड की जाएगी। इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे उस मखसूस एड्रेस से ये वैल्यू रीड करेगा और इसका जो रिटर्निंग मेथड है वो ये है कि ये वैल्यू को जो उस मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हुई होगी जो कि आप यहां मेंशन करेंगे उससे वैल्यू उठा के ये आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन एक बात याद रहे कि किसी भी मॉड्यूल को जिस तरह हम चलाने से पहले वी आर टर्निंग दैट ऑन बिफोर दैट, सो इस मॉड्यूल को भी इस रीड वाली कमांड को यूज करने से पहले आपने इस SPI1_initialize को पहले लाजमी मेंशन कर देना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने एक टेक का अनसाइंड शॉर्ट ये बना लिया है एक वेरिएबल और इस बफर में हमने 0x06 स्टोर करवा दिया है। आप ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे बफर अनसाइंड शॉर्ट बफर रखा हुआ है, सो वी कुड ऑल्सो मेंशन द एड्रेस, लेकिन हमने 0x06 एक बफर के अंदर यहाँ पर स्टोर करवा दिया है और अब इस बफर से हम वैल्यू रीड करने वाले हैं। सो बेसिकली ये बफर के मेंशनड एड्रेस पर जाएगा, मेंशनड मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और देखेगा कि वहां पर क्या डाटा पड़ा हुआ है, और डाटा जो है वो यहां पर रिटर्न करेगा और टेक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। द थर्ड एंड द लास्ट फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू रीड इज void SPI X_write, दैट इज बेसिकली SPI1_write। इसके अंदर आप डाटा राइट कर सकते हैं और यहां पर ये जो फंक्शन है ये सिर्फ एड्रेस के तौर पर ट्रीट नहीं होगा,
ये वैल्यू को भी ट्रीट करेगा, ये एड्रेस को भी ट्रीट करेगा, ये ऑपकोड को भी ट्रीट करेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे पढ़ाता चलूंगा, लेकिन फर्ज करें कि यहाँ पर अगर आपने कोई 0x03 है, ये वैल्यू है जिसको ट्रांसमिट करना है, तो आप यहाँ पर सिंपल इस एग्जांपल में ये वैल्यू ट्रांसमिट कर रहे हैं। बट लेट्स सी कि इसका और इसके काम क्या है। हम यहाँ पर इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर पढ़ने वाले हैं MCP23S17, और इसको हम SPI के साथ इंटरफेस करेंगे इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर को। सो लेट्स जस्ट सी दैट व्हाट इज दिस इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर। सो यू शुड रिमेम्बर दैट जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करने जा रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल पेरिफेरल आप कनेक्ट करने जा रहे हैं SPI के थ्रू अपने माइक्रो कंट्रोलर से, डू मेक श्योर कि आप उसकी डेटा शीट को, उस डिवाइस को अच्छे से पहले पढ़ लें कि उसके मेमोरी एड्रेसेस पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और उसके अंदर कितनी पोर्ट्स हैं या कितनी एक फंक्शनैलिटीज़ हैं जो वो हमें परफॉर्म करवा के दे सकता है। सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट दिस MCP23S17। इसके अंदर 8 बिट की 2 पोर्ट्स मौजूद हैं। यू कैन सी दिस GPA पोर्ट ऑन द राइट साइड, GPA 0 to GPA 7, इफ यू कैन सी माई पॉइंटर, एंड GPB 0 to GPB 7। सो पोर्ट ए एंड पोर्ट बी हैं आपके पास। द अदर थिंग्स दैट वी नीड फॉर द SPI आर इन फ्रंट ऑफ यू, चिप सेलेक्ट, सीरियल क्लॉक, सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउट। सो दीज 4 पिन्स आर एम्बलम ऑफ द पॉइंट दैट दिस माइक्रो कंट्रोलर पेरिफेरल, दिस इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर हैज एन SPI मॉड्यूल अटैच्ड विद इट। यहाँ पर 3 पिन्स आपको और भी नजर आ रही हैं, A2, A1 और A0। ये पिन्स क्या करती हैं, इनका इसके ऑपकोड में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो विल हैव अ लुक एट दिस एज वेल। ये VDD और VSS, ये जो 2 पिन्स हैं, ये आपकी पावर अप पिन्स हैं। यहाँ रीसेट के पिन के ऊपर बार लगा हुआ है, सो दैट मीन्स कि अगर आप इसको 5 वोल्ट सप्लाई करेंगे या फिर मतलब आप इसको वोल्टेज दे के रखेंगे, तो दैट वुड नॉट रीसेट इट अनलेस एंड अनटिल आप यहाँ पर ग्राउंड सप्लाई करते हैं, तो रीसेट हो जाएगी ये। और देन यू हैव इंट ए एंड इंट बी पिन्स। सो लेट्स जस्ट सी कि हमारे काम की पिन्स यहाँ पर कौन सी हैं। हमारे काम की पिन्स यहाँ पर जी, ये पोर्ट ए है, पोर्ट बी है, A0, A1, A2 पिन्स हैं। ये 3 पिन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपकोड डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपकोड क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे। और ये 4 पिन्स जो हैं आपकी SPI बस पिन्स हैं। सो लेट्स जस्ट मूव टूवर्ड्स द रजिस्टर्स, द मेमोरी एड्रेसेस। सो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, हम थोड़ा सा मैं वापस आपको शुरू से इसका एक समरी सी दे दूं कि SPI के बारे में बात क्या हुई थी, कि USRT से या UART से जो डिफरेंस है वो क्या है, कि वहाँ पर आप सिर्फ ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आप किस एड्रेस से, या आपके पास ये कंट्रोल नहीं है कि आप किसी डिवाइस के किस एड्रेस से पिक करना चाह रहे हैं वैल्यू, या किसी डिवाइस की किस एड्रेस पे भेजना चाह रहे हैं। आप सिर्फ अपनी एक पिन के ऊपर ट्रांसमिट कर देते हैं या अपनी एक पिन से रिसीव कर लेते हैं, जिसको आप RX कह देते हैं या TX कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो मेमोरी एड्रेस है, ये इस इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर का है, जो हमने पिछली स्लाइड में आपने ये देखा है। सो इस इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर का ये जो मेमोरी एड्रेसेस की एक ये पूरी चार्ट बना हुआ है, ये हमें क्यों जरूरी है। यहाँ आप देख रहे हैं एड्रेस लिखे हुए इनके 00 हेक्स में हैं, ये 00 से लेके 15 तक। इस हर एड्रेस पे ये 8 बिट का रजिस्टर पड़ा हुआ है। सो ये 8 बिट का रजिस्टर और इसका ये एड्रेस, ये हमारे लिए इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि हम जब भी 00 पर एड्रेस को कुछ सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर कुछ राइट करना चाहेंगे, तो इन बिट्स के ऊपर जाके राइट हो जाएगा। और अगर हम इसको एज अ रीडर, मतलब इससे कुछ रीड करना चाहेंगे और ये एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, तो इन बिट्स पे जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होगी वो रीड होके हमारे पास आ जाएगी। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी आर कंसर्न विद इन दिस कंट्रोल रजिस्टर समरी आर द इंटकॉन, सॉरी GPIOA एंड GPIOB रजिस्टर्स। यू कैन सी ये 2 रजिस्टर्स। सो दीज आर सिमिलर टू द पोर्ट रजिस्टर्स एज वी हैड इन माइक्रो कंट्रोलर PIC18F452। ये पोर्ट रजिस्टर से बिल्कुल मिलते जुलते 2 रजिस्टर्स हैं, GPIOA और GPIOB। अब आपको याद है कि पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी और पोर्ट ई के लिए हमें TRIS-A, TRIS-B, TRIS-C और TRIS-D और TRIS-E की जरूरत पड़ती थी। बिकॉज अगर हमें कभी भी पोर्ट ए, पोर्ट बी या किसी भी पोर्ट को आउटपुट या इनपुट बनाना होता था,
तो हम उसके रिस्पेक्टिव क्रिस रजिस्टर में 0 या 1 रिस्पेक्टिवली मूव कर देते थे। सो इसी तरह आप GPIO A और GPIO B, आपने ये देखा था पिछली वाली पिक्चर में कि GPB एक पोर्ट है और GPA एक पोर्ट है, तो पोर्ट A और पोर्ट B 8-8 बिट की जो पोर्ट हैं, ये आप उनकी एक एक पिन देख सकते हैं सामने, जो कि एड्रेस 12 और एड्रेस 13, 0x12 और 0x13 पे पड़े हुए हैं। इनका जो डायरेक्शन रजिस्टर है, जैसे ट्रिस ए ट्रिस बी होना चाहिए था पिक 18452 के केस में, इनका डायरेक्शन रजिस्टर है IODIR A और IODIR B। सो इन कॉमन वर्ड्स, अगर आप GPIO A को आउटपुट बनाना चाहते हैं तो आप IO डायरेक्शन A में जीरोस मूव कर देंगे, और अगर आप पूरी की पूरी GPIO B को, पोर्ट B को इसको इनपुट बनाना चाहते हैं, तो IO डायरेक्शन B के रजिस्टर में आप वंस मूव कर देंगे। बाय डिफॉल्ट रीसेट करने पर भी इसके अंदर वंस मौजूद है, बट इट्स बेटर कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे हर दफा अगर आप इसको इनपुट बना रहे हैं तो वंस मूव कर दें, और अगर आप इसको आउटपुट बना रहे हैं तो जीरोस मूव कर दें। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप बाय डिफॉल्ट वाली सेटिंग्स को कंसिडर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने अभी आईसी रीसेट किया और मैं ये काम करने लगा हूं, तो आप इसको कमेंट्स में कोड में मेंशन जरूर करें कि मैं आईसी को रीसेट करूंगा और फिर इसको मैं यूज करूंगा, तो फिर ये बात लॉजिकल लगती है। एंड देन इज द ओलैट रजिस्टर, ये आपके सामने है ओलैट रजिस्टर, ओलैट ए और ओलैट बी। इफ यू रिमेंबर के लैट ए और लैट बी जो रजिस्टर्स थे हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर 18452 में पिक में, वो क्या थे, वो बेसिकली हमें राइटिंग में हेल्प करते थे। सो यहाँ पर भी ओलैट ए और ओलैट बी रजिस्टर्स हैं। तो ये तीन रजिस्टर्स हैं, तीन टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं, डायरेक्शनल रजिस्टर्स, पोर्ट रजिस्टर्स एंड लैट रजिस्टर्स, जिनसे हमारा ज्यादा वास्ता यहाँ पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड मूव टुवर्ड द रीड एंड राइट ऑप कोड। सो रीड एंड राइट ऑप कोड क्या है, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपके पास कोई भी somebody comes at your door, so the very first thing that you ask is के who's there. So if there's somebody you know, you'll let them enter. And if there's somebody that you don't know or that someone that doesn't need to enter the house, so you'll just put them away and you say के no sorry. So this type of questionnaire happens at the very initial step, at the very first step of your house, at the door. So opcode is the simpler and straight away that question that you ask at your door in order to enter someone or do not let enter him. So opcode hai kya? Opcode aap wo pehli command hai jo bhejte hain apne microcontroller ke through us slave IC ko, जिससे हमें ये पता, उसको ये पता चलता है कि आप एक तो उसको जानते हैं या नहीं जानते, और आप रीडिंग ऑपरेशन करने आए हैं या राइटिंग ऑपरेशन करने आए हैं। सो ये जो पहला पोर्शन है इस कोड का, ये बताएगा कि आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, और आखिरी पोर्शन ये बताएगा कि आप रीड करने आए हैं कुछ या राइट करने आए हैं। सो दैट्स वेरी सिंपल, एंड प्लस यू कैन सी दैट दीज थ्री पिन्स दैट वी हैड सीन इन आवर पिन डायग्राम A2 A1 A0, ये तीन पिन्स हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट्स हैं। यहाँ पर आप 5 वोल्ट या फिर ग्राउंड सप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने 5 वोल्ट सप्लाई किए हुए हैं तीनों पिन्स पर, वहां जा ये मैं अगर आपको दोबारा दिखा दूं, दीज थ्री पिन्स A2 A1 एंड A0, दीज थिंग, ये आप देख सकते हैं इनकी डायरेक्शन भी एज इनपुट ये शो कर रहे हैं। सो A2 A1 A0 पे अगर आपने 5 वोल्ट सप्लाई किए हुए हैं तीनों पिन, मतलब सर्किट डायग्राम अपने कुछ इस तरह की कनेक्ट की हुई है, तो यहां पर क्या आएगा, 1 1 एंड 1। सो ये तीनों पिन्स 1 हो जाएंगी। सो द ऑपकोड वुड बिकम 0100। ये पहली चार पिन्स जो हैं, ये पहली चार बिट्स जो हैं, ये हार्ड कोडेड हैं, ये फिक्स्ड हैं इस माइक्रो इस इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर आईसी के लिए, MCP23S17 के लिए। लेकिन A0 A1 A2 जो है वो हार्ड कोडेड नहीं है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है जो आप यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। एंड देन ये जो रीड और राइट वाली पिन है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप यहाँ पर 1 पास करते हैं या आप यहाँ पर 0 पास करते हैं। देयर इज अ मिस्टेक ओवर है, ये राइट वाले के ऊपर बार होनी चाहिए थी, क्योंकि जब ये 0 होती है पिन तो ये राइट करता है, और जब ये 1 होती है तो रीड करता है। सो देयर इज अ बार ऑन दिस W। सो if the A0, A1 and A2 pins are grounded, then what would be the opcode? The opcode for write for reading would be 0B, that's the syntax for bit addressing,
0100, ये आप देख सकते हैं पहली चार पिन 0100 एंड देन वी हैव 0001. सो क्योंकि A2, A1, A0 जो है वो ग्राउंड की गई है तो यहाँ पर हमारे पास तीन जीरोज ही आएंगे और लास्ट में हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो हम वन सेंड करेंगे. सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल सेंड टू योर स्लेव आईसी इज दिस रीड ऑपकोड थ्रू द राइट कमांड SPI1_write. हम एग्जांपल अभी देखेंगे. तो आप ये ऑपकोड भेजकर अपने माइक्रो कंट्रोलर को बता रहे हैं कि आई एम गोइंग टू राइट समथिंग. और पहले ये जो आप ये समझें कि दिस इज अ पास कोड, इफ यू राइट द करेक्ट पास कोड तो फिर वो आपकी आखिरी वाली बात को सुनेगा. बट इफ यू राइट द रॉन्ग पास कोड तो आप उसी इंसान की तरह हैं जो किसी गलत घर पहुंच गए हैं और दरवाजा नहीं खुलेगा. द राइट ऑप कोड सिमिलरली इज 0B. ऑल ऑफ द थिंग्स आर द सेम. द पास कोड शुड मैच एंड द लास्ट बिट इज 0 बिकॉज आई टोल्ड यू के राइट के ऊपर बार है और अगर आप ये पिन 0 सेलेक्ट करते हैं तो ये राइट ऑपरेशन को सिलेक्ट करता है. So now just have some examples. Here's the protocol. कि आपने input output expander को read और write operations perform किस तरह से करवाने हैं. So सबसे पहले let's see the read data option. So आप सबसे पहले enable करेंगे CS pin को. CS pin कहाँ है आपके पास? If you can see it over here, you can see this 11th pin in your MCP23S17 is the CS bar pin. So CS bar का मतलब ये है कि आपको इस पिन पर जब आप ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, जब जीरो लेवल प्रोवाइड करेंगे तब ये पिन सिलेक्ट हो जाएगी और ये स्लेव आईसी सिलेक्ट हो जाएगी. सो विल हैव एग्जांपल्स ऑफ दिस एज वेल. तो सबसे पहले आप इसके चिप सिलेक्ट को इनेबल करेंगे, देन आप रीडिंग का ऑप कोड भेजेंगे. रीडिंग का ऑप कोड, अब यहां पर कोई स्पेसिफिक ऑप कोड मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर, क्योंकि जनरल रूटीन लिखी गई है, लेकिन हम जब MCP23S17 के बारे में का ऑप कोड लिखेंगे तो फिर हमें वो 0100 और अगर A2, A1, A0 हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट किए हैं तो 3 दफा 1 और अगर ग्राउंड से कनेक्ट किए हैं तो 3 दफा 0 और आखिर में रीड और राइट की जो बिट है वो सिलेक्ट करेंगे. फिर हम रजिस्टर का एड्रेस सेंड करेंगे और रजिस्टर का एड्रेस क्या है, बेसिकली वो एड्रेस है जो कि उस समरी से, जो कि हमने टेबल देखा था पीछे, उस समरी से हम निकालेंगे और हर एक आईसी के लिए, हर एक डिवाइस के लिए वो अलग होगा. हम एमसीपी जो इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर पढ़ रहे हैं अगर उसको हम पढ़ रहे हैं तो उसकी समरी में से एड्रेस निकालेंगे और उस एड्रेस को हम यहाँ पर सेंड करेंगे. तो हमारे ये जो एक माइक्रो कंट्रोलर की स्लेव आईसी है, इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर को पता लग जाएगा कि सबसे पहले तो ये जो भी इंसान है ये रीड करने आया है इस ऑप कोड के थ्रू एंड उसने जहां से रीड करना है वो एड्रेस आपने भेज दिया है एंड इन रिटर्न द डाटा एट दैट एड्रेस वुड बी थ्रोन आउट बाय इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर. वी हैव टू रीड दैट डाटा. सो द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू डिसेबल द चिप सेलेक्ट. रिमेंबर वन थिंग, ये एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो हो रहा है. आपने पहले चिप सेलेक्ट को इनेबल करना है और फिर आपने चिप सेलेक्ट को डिसेबल करना है. आप जब भी चिप सेलेक्ट को इनेबल करेंगे और उसके बाद ऑप कोड आप रीडिंग या राइटिंग का भेजेंगे तो वो उस रीड ऑपरेशन का या राइट ऑपरेशन का जो आपने सेलेक्ट किया है उसका प्रोटोकॉल फॉलो करने लग जाएगा. सो प्रोटोकॉल फॉलो करवाने का ये भी एक स्टेप है कि आप कोई भी ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं, एक सिंगल ऑपरेशन जब कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप चिप सेलेक्ट को डिसेबल कर देंगे. और अगर आप दोबारा कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं और कुछ भी परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आप दोबारा से चिप सेलेक्ट को इनेबल करेंगे और फिर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद दोबारा इसे डिसेबल कर देंगे. सो लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द राइट ऑप कोड. राइटिंग डाटा के लिए आपने क्या करना है, सेम एग्जैक्टली आपने इनेबल करना है चिप सेलेक्ट को. आपने इस दफा राइट का ऑप कोड भेजना है. यू कैन सी किस ये बात यहाँ पर दोनों चीजों में सेम है कि आपने दूसरी कमांड हमेशा राइट वाली भेजनी है और यहाँ पर आप राइट कर रहे हैं रीड का ऑपकोड और यहाँ पर आप राइट कर रहे हैं राइटिंग वाला ऑपकोड. देन यू विल सेंड द रजिस्टर एड्रेस. यहाँ भी आप राइट वाली कमांड यूज करेंगे, अलबत्ता यहाँ आप रीड वाली कमांड यूज करेंगे एंड देन सेंड डेटा टू बी स्टोर्ड एट दैट मेमोरी लोकेशन एंड जस्ट डिसेबल द चिप सेलेक्ट. रूटीन्स सेम है, बस जो कमांड्स हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं. यहाँ पर आपकी दोनों कमांड सेम है सिवाय इसके कि यहाँ आप रीड का ऑपकोड भेजेंगे और यहाँ पर आप राइटिंग का ऑपकोड भेजेंगे और यहाँ पर आप रजिस्टर एड्रेस वो सेंड करेंगे जहां से आप रीड करना चाह रहे हैं.
और यहाँ पर आप रजिस्टर एड्रेस पहले वो भेजेंगे जहां पर आप राइट करना चाह रहे हैं, फिर आप वो डाटा भेजेंगे जिसको जो आप इस रजिस्टर एड्रेस पे जो ऊपर मेंशनड है यहाँ पर आप राइट करना चाह रहे हैं, एंड एज यूजुअल एक ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद आप चिप सेलेक्ट को डिसेबल कर देंगे। सो दिस इज SPI एड्रेसिंग रजिस्टर, आपके सामने है ये, यू कैन हैव अ लुक। डिवाइस का ऑप कोड है, ये आपने रीड और राइट का आपने ऑप कोड यहां पर लिखा। उसके बाद आपके पास रजिस्टर एड्रेस है, फर्ज करें कोई भी रजिस्टर एड्रेस अगर आप चूज कर रहे हैं तो आप उस रजिस्टर एड्रेस को चूज करेंगे और फिर उसके ऊपर रीड या राइट का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो हियर इज एन एग्जांपल, यहां पर हो क्या रहा है कि हम GPA पोर्ट को टॉगल करना चाह रहे हैं, यू कैन सी इट इन फ्रंट ऑफ यू, हमने MCP23S17 को कनेक्ट किया हुआ है और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यूजिंग माइक्रो सी लाइब्रेरीज यू शुड टॉगल GPA पोर्ट कंटिन्यूसली वाया SPI। सो GPA पोर्ट आपके सामने है, ये लगी हुई है, यहाँ पर कोई LEDs कनेक्टेड है जिनको आप टॉगल करवाना चाह रहे हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। सो नाउ हमें ये देखना है कि कौन सी पिन कहाँ कनेक्टेड है, और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमने अपनी चिप सेलेक्ट पिन को कहाँ कनेक्ट किया हुआ है। सो यू कैन सी के CS बार जो हमारी चिप सेलेक्ट पिन है वो यहाँ पर पिन नंबर 15 जो कि RC0 है, पोर्ट सी की पिन नंबर 0, बिट नंबर 0 हमारे माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट सी की बिट 0 के साथ कनेक्टेड है। सो इसको इनेबल और डिसेबल करने से हमारा जो चिप सेलेक्ट है वो डिसेबल और इनेबल हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। और A0, A1, A2 इसके ऊपर आपने बहुत गौर फरमाना है कि A0, A1, A2 तीनों इस सर्किट डायग्राम में ग्राउंडेड हैं। सो दैट मींस कि हमारे पास ये जो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है उसकी जो स्लेव है, ये इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर, ये A0, A1, A2 तीनों ग्राउंड करके बैठी हुई है, और इसका ये मतलब है कि हमने ऑप कोड में इसको 0 देना है तीनों बिट्स की जगह पर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोड। सो what we have done over here is कि हमने सबसे पहले एक करेक्टर क्रिएट किया है VAL वैल के नाम से, और 0 हेक्स AA है ये वैल्यू, बिकॉज यू नो कि AA हमने क्यों सेलेक्ट किया है, इसको अगर हम टॉगल करेंगे तो ये 5-5 बन जाएगा, और AA इज बेसिकली 0-1 का कॉम्बिनेशन, इसी तरह 5 भी जो है वो आपका 1-0 का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो वो बिट्स को टॉगल जब हम करेंगे तो वो विजिबल रहेगा। अब आपने TRISC.TRISC0 ये आपने क्यों किया, क्योंकि आपका चिप सेलेक्ट जो है RC0 पे कनेक्टेड है, तो वो सबसे पहले हम पिन आउटपुट बनाएंगे। उसके बाद आप देखें TRISC.TRISC5 और TRISC.TRISC3, ये जो दो पिन्स थी ये आपकी SDOUT और SCLK, ये अगर आप यहाँ पर क्लॉक का देख लें तो यही आपकी जो पिन है, ये सॉरी दिस वन SCK, ये जो क्लॉक है ये जो आपके पास नजर आ रही है RC3 पिन है बेसिकली, और SDI ये जो पिन है ये आपके पास RC4 पिन है, और SDOUT जो पिन है वो RC5 है, ये 7 नाम भी इनके लिखे हुए हैं, तो आपको उनको भी आउटपुट्स और इनपुट्स रिस्पेक्टिवली बनाना है। सो यहाँ पर हमने उनको क्लॉक को भी आउटपुट बना दिया, SDOUT को भी आउटपुट बना दिया, और हमने ये RC0 को आउटपुट बनाया है। SDI क्योंकि इनपुट है इसलिए इसको हमने इसको 1 मूव किया है ट्रिस में ताकि हम इसको इनपुट बना सके। नाउ SPI1_initialize, सबसे पहले मैंने आपको यही पहले बताया था कि इनिशियलाइजेशन आपकी लाजमी है, उसके बाद आप चिप सेलेक्ट यहां पर इनेबल कर रहे हैं। आपने चिप सेलेक्ट को अपनी स्पिन को 0 किया है ताकि वहां CS बार था, तो वो वहां पर चिप सेलेक्ट इनेबल हो जाएगा इस इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर के लिए। नाउ SPI राइट 0x40। सो 0x40 क्या है, ये हमारा राइट का ऑप कोड है, अगर आपको याद ना आ रहा हो तो आप यहाँ वापस जाके इस स्लाइड पे देख सकते हैं कि हमारे पास रीडिंग और राइटिंग का ऑप कोड क्या था, ये देखें। तो ये जो 0100 आपके पास पहले से लिखा हुआ है ये तो हार्ड कोडेड है, ये फिक्स्ड है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। सो ऑप कोड में हमने पहले 4 भेजा है, और फिर हमें पता है कि A2, A1, A0 जो कि ग्राउंड पे कनेक्टेड है यहाँ पर हमने 0 भेजना है, और फिर रीड और राइट के लिए हम 0 या 1 भेजेंगे। सो अगर हम रीड ऑपरेशन करेंगे तो 0x41 लिखा जाएगा, और अगर राइट ऑपरेशन करेंगे तो 0x40 लिखा जाएगा इन द केस वेयर A2, A10 आर कनेक्टेड टू ग्राउंड्स। सो लेट्स मूव बैक टू द कोड। यहाँ पर हमने SPI1 को इनिशियलाइज किया, चिप सेलेक्ट को इनेबल किया, 0x40 लिखा, राइट की ऑप कोड। अब अगला स्टेप क्या होगा,
क्या हम डायरेक्टली जो पोर्ट थी उस पे जो एलईडीज कनेक्टेड थी उन्हें टॉगल करवा देंगे? नो. अगर हम जीपीए पोर्ट पे लगी हुई किसी चीज को टॉगल करवा रहे हैं तो इसका मतलब है जीपीए पोर्ट को हम एज आउटपुट यूज कर रहे हैं, और अगर हम इस चीज को एज आउटपुट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें वहां पर जीरोज मूव करने हैं उसके डायरेक्शनल रजिस्टर में. सो आप ये देखें कि हमने आईओ डायरेक्शन ए का जो एड्रेस है वो सिलेक्ट किया है 0x00. सो अगर इफ आई कैन गो बैक एंड शो यू कि इसका रजिस्टर वाकई 0x00 है, आई जस्ट शो यू. ओके, सो दिस आईओ डायरेक्शन ए एंड हियर इज द एड्रेस 0x00. हम यहां पर जीरोज मूव करेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट पिन 1 पे होगी, ताकि हमारी जीपीआईओ ए जो है वो आउटपुट बन जाए. तो हमने इसका राइट ऑप कोड लिख लिया. राइट ऑप कोड लिखने के बाद हमने आईओ डायरेक्शन ए का एड्रेस भेजा है, और फिर इस एड्रेस पे हम भेजना क्या चाहते हैं, हम जीरोज मूव करना चाहते हैं. देखें, पहले हमने ऑप कोड भेजा, फिर हमने उसका एड्रेस भेजा, और फिर हमने डेटा भेजा जो वहां पर हम राइट करवाना चाह रहे हैं. ये एक प्रोटोकॉल है, ये रूटीन है इस एसपीआई की, जो कि ये फॉलो कर रहा है चिप सेलेक्ट के बाद. हमने इसको चिप सेलेक्ट को इनेबल करवाया, उसके बाद राइट का ऑप कोड भेजा, और हम बार बार वही कमांड यूज कर रहे हैं, लेकिन अब जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है वो उसको एज अ डिफरेंट मटीरियल ट्रीट कर रहा है. पहले राइट ऑप कोड, फिर एड्रेस, और फिर डेटा. और इसी तरह यहां पर हम फिर दोबारा चिप सेलेक्ट को बंद कर देंगे, इस पिन को बंद करेंगे तो वहां चिप सेलेक्ट जीरो हो जाएगा, ताकि हमारी ये रूटीन नेक्स्ट टाइम भी जब भी हम करें तो नए सिरे से शुरू हो और प्रोटोकॉल फॉलो हो. नेक्स्ट थिंग इज कि अब हमने इस डायरेक्शन, इस पोर्ट को हमने टॉगल करवाते रहना है. सो ये हमारे पास पोर्ट का टॉगलिंग कोड है. वाइल वन के अंदर इसको लिखा है ताकि ये चीज रिपीट होती रहे, और रिपीट जी क्या हो रही है, वैल जो हमने बनाया था 0xAA, ये 0x55 होता रहेगा, फिर 0xAA होता रहेगा. 1010 होती रहेंगी पिन, टॉगल होती रहेंगी बार बार, और पोर्ट सी का जो ये पिन है जिस पे हमने चिप सेलेक्ट लिखा हुआ था, इसको हमने इनेबल किया है. मतलब हर दफा आप ये देखें कि रूटीन हम हर दफा फॉलो करवा रहे हैं. सो यहां पर हो क्या रहा है कि SPI1_write, सबसे पहले आपने राइट का ऑप कोड भेजा, एग्जैक्टली द सेम ऑप कोड जो आपने पहले भी भेजा था. इस दफा जीपीए का एड्रेस चूज किया 0x12, ये आप वापस जाके उस कोड में देख सकते हैं कि 0x12 इज द एड्रेस बार ऑफ जीपीए पोर्ट, जीपीआईओए पोर्ट. देन हम यहां पर वैल लिखना चाह रहे हैं जो हमने करेक्टर बनाया था. एक दफा वो AA लिखा जाएगा, एक दफा क्योंकि 8 बिट की पोर्ट है तो हमारे पास जो भी वैल्यू वहां पर जाएगी वो टॉगल होती रहेगी इसकी वजह से. तो एक दफा जब ये लूप चलेगा तो वहां पर 1010 1010 आ रहा होगा, और एक दफा जब चलेगा तो 0101001 आ रहा होगा. और हर दफा हमने ये चिप सेलेक्ट को इनेबल करवा के चिप सेलेक्ट को डिसेबल कराना है. बीच में हमने ये डिले दिया हुआ है 500 मिलीसेकंड्स का, ताकि जो एलईडीज टॉगल हो रही हैं वो आपको नजर भी आए कि ये डिले जरा सा है, वरना वो कंटिन्यूसली बहुत तेजी से टॉगल करेगा तो आपको हो सकता है एलईडीज टॉगल होती हुई नजर ना आए. सो दैट्स द मेन पार्ट. यहां पर आपका कोड खत्म हो जाता है, और यहीं से आपको इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर की आई गेस अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर में हो क्या रहा है. इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आपने एसपीआई मॉड्यूल के थ्रू उसको कनेक्ट किया है, और एसपीआई मॉड्यूल में आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो चार इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक उसकी ऑप कोड है, एक उसकी चिप सेलेक्ट है, एक उसमें रीड की कमांड है, और एक राइट की कमांड है. ऑप कोड हमेशा आप ये देख लें, चाहे आप रीड की कमांड भेजना चाहें या रीड का उसे ऑपरेशन करवाना चाहें या राइट का ऑपरेशन करवाना चाहें, हमेशा आप पहले चिप सेलेक्ट को इनेबल करेंगे, उसके बाद आप राइट की ही कमांड भेजेंगे. क्योंकि या तो आप राइट का ऑपकोड भेजेंगे या रीड का ऑपकोड, लेकिन भेजेंगे आप किस कमांड के थ्रू, SPI1_write के थ्रू. अब द टास्क फॉर यू इज के आपने माइक्रो सी लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज करते हुए रीड करना है जीपीबी पोर्ट को. सो रीड करने के लिए आपने क्या करना होगा कि फर्ज करें आपने यही वाला जो कोड था इसमें आपने जीपीए पे कुछ जो पढ़ा हुआ था उसको रीड करना था. तो सबसे पहले तो आप ये वाला जो ये सेक्शन ऑफ कोड है, ये इसको मैं कोशिश करता हूँ हाईलाइट करने की, दिस सेक्शन ऑफ कोड, इसमें सिर्फ एक चेंजिंग होगी, वो ये कि यहाँ पर आपने रीड सॉरी राइट का ही ऑप कोड भेजना है. यहाँ पर जो आपने आईओ डायरेक्शन ए है इसका एड्रेस सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको वंस मूव कर देने. क्यों? क्योंकि आप उसको एज इनपुट ट्रीट कर रहे हैं, और वहां पर जो भी वैल्यू आ रही है आप उसे रीड करना चाह रहे हैं.
तो फिर आप इसको एज इनपुट डिक्लेयर करवाएंगे और वहां पर जो वैल्यू आएगी उसे रीड करेंगे। और इसके बाद आपने जो रीड का ऑपकोड फॉलो करना है वो यहाँ पर ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें कुछ चेंजिंग्स होंगी। वो क्या होंगी कि आई जस्ट कॉपी इट, ओके, एंड देन विल ट्राई टू राइट इट ओवर, आई कैन जस्ट जूम इट, ओके। सो यहाँ आप देखें कि हमने सबसे पहले तो sorry, SPI1 underscore initialize की कमांड यूज करनी है, फिर हमने चिप सेलेक्ट को इनेबल करना है। चिप सेलेक्ट को आप जब एक दफा इनेबल कर देंगे उसके बाद आपने राइट का ऑप कोड भेजना है। उसके बाद आप कहां पर रीड करना चाह रहे हैं, कौन सी वैल्यू को रीड करना चाह रहे हैं, उसका एड्रेस भेजना है। तो ये आप इसको वन कर लें और दिस वुड बिकम द रीड ऑप कोड। देन यू विल सेलेक्ट द GPA पोर्ट जहां से आप डेटा जो भी वहां पर अवेलेबल है, जहां से आप वैल्यू उठाना चाह रहे हैं, जहां पर आप रीड करना चाह रहे हैं वैल्यू, और उसके बाद आपने एंड अगर आपने ऊपर कोई भी वैल्यू वेरिएबल बनाया हुआ था डाटा के नाम से, फर्ज करें मैं इसके ऊपर करेक्टर बना देता हूँ डाटा का, या फिर आप कोई और चीज बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो मैंने करेक्टर बनाया है डाटा का वो ये क्या हुआ है कि अगर हम यहाँ पर इस ऑपकोड की तरफ तवज्जो रखें कि अगर हमने CS को इनेबल कर दिया, उसके बाद हमने रीड का ऑपकोड सेंड किया, फिर हम कहाँ से रीड करना चाह रहे हैं वो एड्रेस से भेजा। नॉर्मली ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये रूटीन्स में शामिल नहीं है, बट ये एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया गया है कि अगर आप ये राइट नहीं करते हैं, रीड का उसे एड्रेस नहीं भेजते हैं कि मैं कहाँ से रीड करना चाह रहा हूँ, तो वो स्किप कर जाता है। सो ये एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड एक बात है। तो आपने सबसे पहले रीड का ऑपकोड भेजना है राइट की कमांड के थ्रू, फिर आपने राइट करना है एड्रेस कि आप कहां से रीड करना चाह रहे हैं। ये मैं GPA पोर्ट को रीड करना चाह रहा था इसलिए मैंने उसका एड्रेस भेज दिया यहां पर। फिर मैंने अपना डाटा जो है वो एक वेरिएबल बनाया हुआ था, करेक्टर बनाया हुआ था, उसमें मैंने क्या सेव करवाया है, SPI1 underscore read। ये कमांड जो है ये आपको रिटर्न करती है जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी इस एड्रेस के ऊपर। लेकिन ये वाली कमांड, ये एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड आई रिपीट, कि ये वाली कमांड लिखनी जरूरी है जब भी आप कहीं से डाटा रीड करना चाह रहे हैं, उसे बताने के लिए कि मैं यहां से डाटा रीड करना चाह रहा हूं। सो दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट द रीड एंड राइट रूटीन्स एंड कमांड्स ऑफ द SPI। सो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, ट्राई के ये जो एग्जांपल मैंने आपको फॉर असाइनमेंट दी है इसको आप ट्राई करें। GPB पोर्ट है, इसमें आपने रीड करने हैं स्विचेस, तो आप उसको पहले इनपुट बनाएंगे फिर उससे रीड करेंगे। And that's pretty much all about the SPI. अपना ख्याल रखें, कोई भी questions हो तो आप mention कर सकते हैं, I'll try to explain them. Allah Hafiz.